हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। क्रिस्टीन इस कहानी में बड़े बड़े खेल खेलने वाली है। फिलहाल तो अपने बॉस को आकर्षण में लेना चाहती है, इसीलिए तो उसने डेविड के साथ संभोग भी किया। इन सब में क्रिस्टीन अपने क्लाइंट से मिलती रहती है। वो बूढ़े शख्स ट्रंप से मिली है। ट्रंप काफ़ी अमीर है, उसने अपने बोर्ड में उसे बुलाया है। पर यहाँ क्रिस्टीन जब देखती है कि उसके अलावा और भी औरतें हैं जो कि नौकर का काम करती हैं, क्रिस्टीन ट्रंप से कहती है कि उससे ये बोट अकेले में चाहिए, यानी वो सिर्फ ट्रंप के साथ रहना चाहती है इस बोट में। ट्रंप ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। यहाँ सभी नौकरों को विदा कर दिया गया है। इसके बाद क्रिस्टीन ने मौका देखकर ट्रंप के ड्रिंक में कुछ मिलाया। ट्रंप और क्रिस्टीन जब साथ में हैं तब दोनों रिवर में कूदते हैं। क्रिस्टीन तो ऊपर आ गई, वो इधर उधर ट्रंप को ढूंढती है। उसे लगा ट्रंप बाहर आ गया है, पर वो अभी भी पानी में है। इन सब के बाद जब ये वीकेंड ख़त्म हो गया तब ट्रंप ने क्रिस्टीन को उसके घर के सामने ड्रॉप कर दिया। कुछ ही समय में खबर आती है कि ट्रंप मर चुका है, यानी क्रिस्टीन ने बड़ी प्लानिंग के साथ ट्रंप को मार डाला। और तो और एक खबर और आई है कि ट्रंप ने चेल्सी के नाम पर $5,00,000 छोड़े हैं। यानी क्रिस्टीन काफ़ी पहले से ये खेल खेल रही थी। जैसे उसे पता चला कि उसके यानी चेल्सी के नाम पर ट्रंप पैसे छोड़ देगा, उसने ये सब कुछ अपने विल में लिख दिया है, तब उसने ट्रंप को मार डाला। अब क्रिस्टीन चाहती है कि किसी तरह अपने आप को चेल्सी साबित करे और फिर ये पैसे क्लेम कर ले, पर इन सब में बहुत सी मुश्किलें हैं। इन सब के साथ ही वो ऑफिस में डेविड के बारे में भी रिसर्च कर रही है। तभी यहाँ एरिन आ जाती है। क्रिस्टीन अपने सिस्टम को छिपाती है। एरिन अब जान चुकी है कि क्रिस्टीन की नज़रें डेविड पर हैं। एरिन और क्रिस्टीन साथ में लंच करते हैं। एरिन क्रिस्टीन से बताती है कि डेविड का डिवोर्स चल रहा है, उसके दो बच्चे हैं। बाद में एरिन जब डेविड से मिली है तब वो कहती है कि उसने क्रिस्टीन को संभाल लिया है, यानी क्रिस्टीन के साथ भी गेम खेला जा रहा है। क्रिस्टीन को लगता है कि सिर्फ वही गेम खेल रही है। छुट्टी के समय वो डेविड से मिलती है। डेविड उससे कहता है कि अब वो उससे नहीं मिलना चाहता, वैसे ही उसे कोई संभोग का सुख नहीं मिलता। क्रिस्टीन उसे कहती है कि अंतिम बार वो उसके बेड पर होना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टीन डेविड के घर आई है। दोनों यहाँ आपस में जिस्मानी संबंध बनाने जा रहे हैं। यहाँ कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है। दोनों ने आपस में संभोग किया और अगले दिन क्रिस्टीन इस वीडियो को ऑफिस में बैठी देख रही है, यानी अब वो डेविड को ब्लैकमेल करने वाली है। इधर क्रिस्टीन पहुंची है अपने पैसों को क्लेम करने के लिए। यहाँ उसे बताया जाता है कि उसे चेल्सी नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। फिलहाल क्रिस्टीन अपने एक क्लाइंट से मिली है, वो ये सब कुछ डिस्कस करती है। वो पता लगाना चाहती है कि किस तरह वो अपने आप को चेल्सी साबित कर सकती है। इसी सस्पेंस पर कहानी का ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है? क्या क्रिस्टीन अपने आप को चेल्सी साबित कर पाएगी? वो डेविड के साथ क्या करने वाली है? जानने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए।